बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के हिंदू देवी देवताओं पर दिए बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो रहा है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बंशीधर भगत के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी नारी शक्ति के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के बयान से बीजेपी का असली चेहरा उजागर होता है। मनोज तिवारी ने कहा कि बंशीधर भगत को नारी शक्ति और भगवान से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी विधायक बंशीधर भगत के बयान को गलत बताया, लेकिन बचाव करते हुए बीजेपी नेता ने सुरेश जोशी से कहा कि विधायक बंशीधर भगत ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमेशा कहा है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, और वहीं हमेशा धार्मिक रूप से राजनीति करने का काम किया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उनके सम्मानित विधायक हों या उनके मंत्री हों, उनके द्वारा जिस तरह का सभा के माध्यम से या अपने वक्तव्य में बयान दिया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हल्द्वानी के हमारे कालाढूंगी के विधायक माननीय बंशीधर भगत जी ने जो बयान दिए और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करी, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखा विषय है, और इससे भारतीय जनता पार्टी के का चरित्र उजागर होता है, इनके लोगों का चरित्र उजागर होता है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इनकी नेताओं में बहुत अंतर है, और निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जहां हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, और वहीं हमारी जो नारी शक्ति है जो वहां पर बैठी थी उस पूरे उत्तराखंड की नारी शक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। माफी मांग ली, क्या मामला माफी मांगने योग्य है? देखिए निश्चित रूप से ये क्षमा योग्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं होगा, उनको अपनी जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है इसका प्रायश्चित प्रत्येक नारी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, और जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके मंदिरों में जाके वहाँ पे क्षमा मांगनी चाहिए, तब हम समझते हैं कि वो क्षमा योग्य होंगे। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ कि किसी को भी समाज के अंदर इस तरह का अधिकार नहीं है हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलें, लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में शायद उस विषय को बोला, उन्होंने कल मीडिया के सामने आकर के माफ़ी भी मांगी है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा विषय मेरे संज्ञान में आया है।